नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त मोहित पारिक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन। भाइयों जो है वो आज हम देखेंगे बजीज पैरेट की ब्रीडिंग प्रोग्रेस, क्योंकि जो है वो काफ़ी लंबा टाइम हो गया मैंने आपको जो है वो बजीज ब्रीडिंग प्रोग्रेस नहीं दिखाई। भाइयों वैसे मैं आपको बता दूं कि जो है वो काफ़ी बच्चे बाहर आ चुके हैं, 25 से 30 के करीब जो है वो बच्चे बाहर आ चुके हैं। अभी भी जो है वो 15 से 20 बच्चे जो है वो हांडी बॉक्स के अंदर हैं और जो है वो कुछ बच्चे अभी भी निकल रहे हैं और कुछ मादियाँ अंडों पर बैठी है और कुछ मादियाँ अंडे देने वाली है। भाइयों जो है वो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी बजीज पैरेट की ब्रीडिंग होती है और हम जब जो है वो एक साथ हांडी बॉक्स चाहे लगा दें, फिर भी धीरे धीरे क्या होता है कि जो है वो आगे पीछे हो जाती है सारी मादियाँ। तो इस तरीके से जो है वो हो रखी है, तो ये जो है वो आगे पीछे ही ब्रीड करने लगते हैं, क्योंकि कुछ मादियाँ जो है वो तेज़ी से ब्रीड करती है, कुछ मादियाँ ब्रीड रोक देती है और कुछ मादियाँ जो है वो धीरे गति से जो है वो ब्रीड करती है। तो इस तरीके से होता रहता है। तो अब जो है वो ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखेंगे, उससे पहले आप जो है वो बाहर निकले हुए कुछ पट्टे देखें, ये जो है वो 2 वाइट पट्टे बैठे हुए हैं और सामने ब्रीडिंग बॉक्स पे आपको पट्टे दिखाई दे रहे होंगे। इस तरफ जो है वो आपको पट्टे बैठे दिखाई दे रहे होंगे और एक पट्टा ये बैठा, इधर आपको एक रेड आइज़ का पट्टा दिखाई दे रहा होगा, उस तरफ बैठे हैं और जो है वो हर तरफ जो है वो हांडी बॉक्स के ऊपर जो है वो पट्टे बैठे आपको दिखाई दे रहे होंगे और आपको जो है वो नीचे भी जो है वो पट्टे बैठे दिखाई दे रहे होंगे। तो अब जो है वो धीरे धीरे पट्टे वगैरह निकल रहे हैं, तो अब जो है वो ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखते हैं। मैं भी जो है वो आपके साथ ही ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखूंगा कि किस हांडी और किस बॉक्स में जो है वो क्या चल रहा है। मेरे हिसाब से जो है वो 2 नंबर ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों की आवाज़ें आ रही है। ये आप देखें जो है वो इसके अंदर आपको 3 बच्चे दिखाई दे रहे होंगे, एक तो जो है वो येलो कलर का है और बाकी के जो है वो मेरे हिसाब से ग्रीन कलर के हैं। अब 1 नंबर के अंदर देखते हैं, इसके अंदर जो है वो मादी बैठी हुई है अंडों के ऊपर। और अब जो है वो 3 नंबर ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर जो है वो मेरे हिसाब से मादी जो है वो अंडे देने की तैयारी कर रही है। अब जो है वो 4 नंबर ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर जो है वो मादा बैठी हुई है और मेरे हिसाब से जो है वो अभी ये अंडे देगी। अब जो है वो 5 नंबर ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर जो है वो मादा अंडों के ऊपर बैठी हुई है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो है वो 7 के करीब अंडे होंगे। अब 7 नंबर ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर देखते हैं, इसके अंदर जो है वो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में जो है वो बच्चे दिखाए थे, तो ये वही ब्रीडिंग बॉक्स है जिसके अंदर जो है वो चींटियाँ जाने लगी थी और मैंने जो है एक वीडियो शूट किया था। तो ये आप देखे जो है वो 3 बच्चे हैं, तीनों ही बच्चे हेल्थी है। हेल्थी बच्चों की जो है वो पहचान इन रूहों से होती है, जो वाइट कलर के जो रूहें होते हैं। अब जो है वो 8 नंबर ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, इसे मादी अंडे देगी। अब 9 नंबर ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर जो है वो 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं और बाकी के जो है वो अंडे ख़राब हो चुके हैं, तो इन अंडों को जो है वो नहीं फेंकेंगे। तो जो है वो अंडे पड़े हैं और जो है वो बच्चे भी हैं 2। अब जो है वो 10 नंबर से जो है इन सभी बॉक्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखते हैं, तो ये जो है वो आप देखें, इसके अंदर जो है वो 6 बच्चे हैं और 6 के 6 बच्चों का जो है वो कलर काफ़ी अच्छा है और अलग अलग कलर के बच्चे हैं। भाइयों ये जो है वो तब होता है जब जो है वो बर्ड्स की ब्लड लाइन मजबूत होती है, तो जो है वो सभी बच्चों के कलर अलग अलग रहते हैं और सभी बच्चे जो है हेल्थी रहते हैं। तो आप जो है वो बच्चे देखें, और इस तरफ जो है वो एक ये जो बच्चा है ये मेरे हिसाब से रेनबो बच्चा है, इसका जो मेल है वो भी रेनबो बजीज है और काफ़ी अच्छी तरीके से जो है अपने बच्चों को फीड भी करवाता है। तो ये एक बच्चा जो है वो रेनबो बजीज है और ये भी जो है काफ़ी एक अच्छा कलर होगा, ये तो नीचे वाला कलर है। अब 11 नंबर के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर आपको जो है वो अंडे दिखाई दे रहे होंगे। अब 12 नंबर के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर जो है वो 2 अंडे हैं, इसके अंदर जो है वो मादा बैठी हुई है। तो भाइयों जो है वो इसके नीचे 1 अंडा पड़ा हुआ है। अब जो है वो इन बॉक्स के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर कुछ नहीं है। जो है वो 15 नंबर में देखते हैं, तो इसके अंदर जो है वो मादा बैठी हुई है और एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है, ये आप देखें। और जो है वो 16 नंबर में मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। 17 नंबर में जो है वो बच्चे हैं, तो ये आप देखें दोस्तों। जो है वो पहले मैंने आपको जो है वो काफ़ी बच्चे दिखाए थे, इनके जो है वो 7 के, बाकी के बच्चे जो है वो बाहर आ चुके हैं। अब जो है वो 2 बच्चे बचे हैं,
और अब जो है वो 18 नंबर के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर जो है वो मादा बैठी हुई है अंडों के ऊपर, ये आप देखें। इसके नीचे जो है वो भाइयों 6-7 के करीब अंडे हैं। और अब जो है वो 19 नंबर के अंदर देखते हैं, तो इसके नीचे भी जो है अंडे पड़े हुए हैं। अब जो है वो 20 नंबर के अंदर देखते हैं, तो इसके नीचे जो है वो कुछ नहीं है। भाइयों जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो एक जो है वो बच्चा उड़ के मेरे हाथ के ऊपर आके बैठा है। तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो जो है वो ये नहीं डरते हैं, तो इस तरीके से जो है वो हाथ के ऊपर आके बैठ जाते हैं। और तो जो है वो मैं इसे नीचे उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी जो है वो नीचे नहीं उतर रहा है। तो ये जो है उड़ गया, उड़ के जो है वहाँ पर बैठ गया जाके। तो भाइयों मैं ये कह रहा था कि जो है वो अब हांडियों के अंदर देखते हैं। इस तरफ से जो है 21 नंबर हांडी से शुरुआत करते हैं। इसके अंदर जो है वो कुछ बच्चे थे जो कि मेरे हिसाब से जो है वो बाहर आ चुके हैं। अब 22 नंबर के अंदर देखते हैं, इसके अंदर जो है एक अंडा पड़ा हुआ है, 23 नंबर खाली है। और जो 24 नंबर में देखते हैं, इसका जो है एक बच्चा भी था जिसे मैंने जो है अलग ब्रीडिंग बॉक्स में शिफ्ट कर दिया था। और ये जो है 25 नंबर के अंदर मादी बैठी हुई है अंडों के ऊपर। भाइयों ये आप जो है वो हांडियाँ देखिए, ये सुरंग टाइप में हांडियाँ बनी हुई है। और एक वीडियो में जो है बहुत जल्द इस तरीके की हांडियों के फ़ायदे भी बताऊंगा कि इस तरीके की मैंने हांडियाँ क्यों बनवाई। ऊपर जो है वो दो पट्टे बैठे हुए हैं, ये आप देखें, ये मादी जो है वो अंडों के ऊपर बैठी है। और इसके नीचे जो है मेरे हिसाब से जो है 7 के करीब अंडे होंगे। और अब इसके नीचे वाले के अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर जो है एक बच्चा दिखाई दे रहा है आपको, ब्राउन कलर का बच्चा है। और ये जो है वो पूरा तैयार हो चुका है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि लास्ट टाइम तक जो है वो हांडी के अंदर ही बैठे रहते हैं। इस कारण से जो है वो परिणाम स्वरूप ये होता है कि हांडी की जो मादी होती है वो जो है वो अलग हांडियों को चूज करने लगती है और जो है दोबारा से अंडे देने लगती है। तो जो है वो इसकी जो है वो मादी है जो सफ़ेद कलर की मादी है, और मैं देखता हूँ कि वो जो है वो आजकल इस हांडी के अंदर घुसने लग गई। बच्चे जो है वो टाइम से बाहर ना आए, वो जो है वो अंदर ही बैठे रहे, तो जो है वो मादी जो है वो बहुत बार तो जो है वो पास में अंडे दे देती है। और बहुत बार क्या होता है कि वो जो है वो दूसरी हांडी को चूज़ कर लेती है और उसके अंदर जो है वो अंडे दे देती है। तो अब जो है वो इस बच्चे को बाहर निकालते हैं। भाइयों ये आप जो है वो देखे, पूरा जो है एकदम हेल्थी बच्चा है और साइज़ भी जो है वो काफ़ी अच्छा है बच्चे का। ये आप देखे जो है वो बच्चा काफ़ी जो है एक्टिव है और काफ़ी जो है वो अच्छे साइज़ का बच्चा है। तो अब जो है वो इसे जो है वो नीचे छोड़ देते हैं। तो जो है वो आप ये देख सकते हैं जो है वो ये पीछे जाने लगे हैं इसके। अब भाइयों मैं ये करूँगा कि इस आंटी की जो है वो सफाई कर दूँगा और इसके अंदर बुरादा डाल दूँगा थोड़ा, और वुड सेविंग गंदे की छीलन, ताकि क्या होगा कि जो है वो मादी दोबारा से जो है वो अंडे देने लगेगी। भाइयों इस आंटी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मादी जा रही है और ये जो है वो आंटी खाती है। और 30 नंबर आंटी के अंदर जो है वो आपको बच्चे और कुछ अंडे दिखाई दे रहे होंगे, और जो है वो पाइट की मादा भी बैठी हुई है। मुझे जो है वो दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है जो है वो और भी बच्चे हो। तो भाइयों ये थी कॉलोनी की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। मुझे जो है वो ब्रीडिंग प्रोग्रेस अच्छी लगी, आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसी लगे ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको जो है वो कुछ बातें समझ ना आए तो आप जो है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि जो है वो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। तो भाइयों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक। बीकानेर बर्ड्स इंफॉर्मेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, इससे आपको ये फायदा होगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक आ जाएगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकेंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन तक आ जाए।